अनुष्का शर्मा की वजह से बाहर हुए शिखर धवन, विराट की दुल्हनिया पर गंभीर आरोप। टीम इंडिया के प्रमुख बल्लेबाज शिखर धवन को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं करने की असली वजह सामने आई है। एशिया कप 2018 में मैन ऑफ द सीरीज रहे धवन को बाहर करने के पीछे कप्तान विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की भूमिका बताई जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अनुष्का शर्मा का शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी से विवाद हुआ, जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि जल्द ही गब्बर की टीम इंडिया से छुट्टी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड दौरे के दौरान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा और धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच चर्चा शुरू हुई कि शिखर धवन को जल्द ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बहरहाल इंग्लैंड दौरे के बाद शिखर धवन को एशिया कप के लिए जरूर मौका मिला, जहां उन्होंने 2 शतक की मदद से 342 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, मगर इसके बाद विंडीज के खिलाफ उन्हें टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के सदस्य रहे एक खिलाड़ी ने बताया कि टीम में अभी सब कुछ सही नहीं है। टीम इंडिया के क्रिकेटरों को अनुष्का की दखलंदाजी ठीक नहीं लगती। क्रिकेटर ने यह भी खुलासा किया कि अनुष्का शर्मा कभी कभी बल्लेबाजों के लिए होने वाली बैठक में भी उपस्थित रहती हैं। बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने बताया कि विराट और धवन की पत्नियां अच्छी दोस्त थीं। दोनों हमेशा एक साथ रहती थीं। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लंदन वनडे के दौरान आयशा और अनुष्का को एक साथ बैठना था, जिसके लिए विराट ने एक पदाधिकारी ने 3 पास भी लिए थे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद ही अनुष्का और आयशा के बीच विवाद हुआ। टीम इंडिया के सदस्यों ने कहा कि धवन और कोहली की पत्नियां बेशक अच्छी दोस्त थीं, मगर इंग्लैंड में अनुष्का ने आयशा को उनके परिवार के बारे में कुछ सलाह दी। आयशा को यह सलाह रास नहीं आई। उन्होंने अनुष्का से स्पष्ट कहा कि मेरे परिवार के बारे में आप कोई राय नहीं दें तो बेहतर। इसके बाद से दोनों की दोस्ती में दरार आ गई और अब इनके रास्ते अलग हो चुके हैं। टीम इंडिया के कई सदस्यों को इस बात का पता चल चुका था कि अनुष्का आयशा में विवाद हुआ है और फिर टीम में चर्चा शुरू हो गई कि धवन की जल्द ही टीम से छुट्टी हो सकती है। अब इसे संयोग माना जाए या सच, लेकिन शिखर धवन को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए शामिल नहीं किया गया। टीम इंडिया को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, जिसको ध्यान में रखते हुए विंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज डमी टेस्ट माना जा रही है। शिखर धवन जिस तरह के फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि विंडीज के खिलाफ वे खूब रन बनाते और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपना दावा पेश करते। इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए विराट कोहली से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके द्वारा भेजा गया मैसेज कोहली ने टीम इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर बढ़ाया। इसके बाद टीम इंडिया के एक अधिकारी ने संपर्क करके पूछा कि किन खिलाड़ियों के बीच समस्या है, इसे ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सुधारना होगा। इसके अलावा अधिकारी ने अनुष्का का बल्लेबाजों की बैठक में शामिल होने की बात से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में बल्लेबाजों की बैठक जिस कमरे में होती है, वही मसाज रूम है जिसमें कोई न कोई खिलाड़ी मौजूद रहता था। अनुष्का का वहां रहना नामुमकिन है। हालांकि अधिकारी ने आयशा अनुष्का के बीच विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की।